लोगों ने पुकारा तो बहुत दुख दिया थे, तो लोगों ने सुमाना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, पूरा अपमानित करके घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते गए पति के साथ ऐसा किया तो सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, तो गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी रख रखा है। नेगेटिव बात को क्या बना दिया और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली बना और कहा कि इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े वड़े थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे तो बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले फोड़े आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गद्दे पर बैठा। बुराई को क्या बनाया, ये कला सीखना। जो ये कला सीखेंगे उसको कभी भी भारी पन नहीं होगा, सदा हल्का रहे। उसको कहेंगे फरिश्ता। फरिश्ता का वही रहो, वही नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपना सोच को बदलो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। सोच जिसके निगेटिव, सब कुछ निगेटिव चले, सदा पॉजिटिव रहो। आज शिव बाबा कितना बाबा को गाली दी, अपमान किया बाबा को, कुत्ते ने बिल्ले ने, बाबा ने कहा मेरे भगत है, मेरे भजन कर रहे, गाली दे रहे तो उसको क्या समझा। तो इसी तरह बाबा ने भी सहन किया तो हमें भी क्या करना है, सहन करना है। तो डबल राइट रहता है, वो फरिश्ता बनता है, उस जैसा चेहरा म्यूजियम है वो बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। इतना ही नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ना मानसिक बीमारी ना शरीर की बीमारी। तो वर्तमान में ये पॉजिटिव थिंकिंग की बड़ी जरूरत है। तो आज से आप सदा पॉजिटिव सोचना, कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव, किसी ने आपके लिए कुछ भी किया है उसमें भी कल्याण है। मथुरा ने राम को कहां भेजा, वनवा में भेजा, सीता गई चुगली करके, लेकिन उसमें भी कल्याण हुआ। अगर मथुरा उसकी चुगली ना करती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, तो राम की इतना महिमा किसके कर, मंत्रा के कर। इसी तरह बाबा ने भी हर एक के जीवन में कोई ना कोई मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं इधर की बात। अगर वो चुगली ना करते, वनवा में ना आते, तपस्या में कैसे बैठे, तपोवन में कैसे बैठे। इसी तपोवन में बैठ करके योग करते समय जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो, क्योंकि आप लोगों ने तंग किया हमारा बहुत अच्छा हुआ, हमें दीदी दादिया इतना अच्छा परिवार मिला, फिर 5,000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तब ऐसे लोगों को देखते खुशी होगी, नहीं तो कहीं कहते इसको मैं दुआ कभी नहीं दूंगी, इसने मेरे लिए क्या क्या किया, जो किया सब अच्छा किया। इसलिए डबल लाइट हो, हल्के रहो, तब बाबा से सदा कर्मयोगी बनकर के रहेंगे। ओम शांति।